हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज़ को। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी जावा के बारे में और बताया था कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, इसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये क्या होती है? अब जैसे नाम में पता चल रहा है, ये वो प्रोग्रामिंग पैराडाइम या पैटर्न है जो कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट और उनकी वर्किंग पे बेस्ड होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट की बात करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा क्लास के बारे में। अगर आपको क्लास समझ में आ गई तो ऑब्जेक्ट्स को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्लास क्या होती है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसपे पूरी प्रोग्रामिंग का आइडिया बेस्ड होता है। यही क्लास हमें बताती है कि हम जावा कोड में क्या करना चाहते हैं। अब क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया है, एक प्लान है, इस पर एक्चुअली पे कोई काम नहीं होता, तो इसी वजह से ये एक लॉजिकल एंटिटी है, ना कि एक फिजिकल एंटिटी। जिस पार्ट पे हमें एक्चुअली में काम करना होता है उन्हें ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और क्लास इन्हीं सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। इन ऑब्जेक्ट्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास एक आइडिया है, तो उस आइडिया को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट जब करते हैं तो ऑब्जेक्ट की मदद से करते हैं। तो ऑब्जेक्ट एक तरह से क्लास का इंस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी प्रोवाइड की गई है और वो ऑब्जेक्ट उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेगा जो हमने क्लास में डिफाइन किए हैं या बताए हैं। ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी है क्योंकि इस पर एक्चुअली में काम होता है, बट ये एक लॉजिकल एंटिटी की तरह भी काम कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट अपने स्टेट, यानी उसका अपना एक डेटा होता है और उसका एक बिहेवियर होता है। बिहेवियर का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट कैसे और क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं उस ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंशिएट कर पाता है। हम लोग उस आइडेंटिटी को नहीं देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट्स के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी। स्टेट ऑब्जेक्ट के डेटा और वैल्यू बताता है, बिहेवियर ऑब्जेक्ट के फंक्शंस और वर्किंग को बताता है, और आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे से। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और क्लास क्या होते हैं। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट्स और क्लास कैसे काम करते हैं। यहाँ पर मैंने क्लास ली है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट तो एक जनरल आइडिया है, स्टूडेंट तो एक कॉलेज का भी हो सकता है, एक इंजीनियरिंग का भी हो सकता है, एक स्कूल का भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर ये डिफाइन नहीं कर सकते कि स्टूडेंट क्या है और उसकी एक्चुअल एंटिटी क्या है, उसकी रियल में वैल्यू क्या है। वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने यहाँ पर चार ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं इस क्लास के, जो है नेम, रोल नंबर, क्लास और एड्रेस। अब अगर मैं स्टूडेंट का नेम प्रोवाइड करता हूँ, या उसका रोल नंबर प्रोवाइड करता हूँ, या क्लास प्रोवाइड करता हूँ, या उसका एड्रेस प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं उस डेटा से बता सकता हूँ कि स्टूडेंट की क्या वैल्यू है और उसमें क्या क्या काम वो कर सकते हैं। अब अगर मैं डिफाइन करूँ स्टूडेंट किस क्लास में पढ़ता है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है इस क्लास में, वो 10th स्टैंडर्ड है, 9th स्टैंडर्ड है, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में है या मेडिकल के फर्स्ट ईयर में है। अगर मैंने उसका एड्रेस डिफाइन किया, तो मैं ये बता सकता हूँ कि स्टूडेंट किस एरिया में रहता है, किस स्टेट में रहता है। अगर मैं उसका रोल नंबर बताता हूँ, तो मैं ये बता सकता हूँ कि वो क्लास में कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी है। तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, क्लास की जो आइडिया है, जो उसके वैल्यू है, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स मेमोरी दे रहे हैं उस क्लास को। क्लास एक जनरल आइडिया है और ऑब्जेक्ट्स उस क्लास पे होने वाले एक्शंस हैं। तो ये फ़र्क होता है क्लास और ऑब्जेक्ट्स में। अब ये एक जनरल आइडिया मैंने आपको इस एग्जांपल से दिया है, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको क्लास और ऑब्जेक्ट्स और अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ये जो मैंने कोर्स बनाया है, इसको मैंने 65 और 35 के रेशियो में डिवाइड किया है, यानी 65% प्रोग्रामिंग और 35% थ्योरी। थ्योरी भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं सिर्फ थ्योरी से ही आपको बता सकता हूँ। अगर मैं आपको डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पे ले आऊँगा तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपको पहले थ्योरी समझाना चाह रहा हूँ ताकि हम लोग बाद में प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकें। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, मैं उसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये चार जो टॉपिक्स हैं, इन्हीं पे पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखनी है तो ये चार टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल आने ही चाहिए। इनके नाम है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो प्लीज़ वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और इन चारों टॉपिक्स को मैं समझाने वाला हूँ थ्योरी में। प्रैक्टिकल पार्ट जो होगा वो प्रोग्रामिंग में आएगा, तो अभी फ़िलहाल मैं थ्योरी में ही बात करने जा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।